नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं आशीष कुमार। वक्त हो गया है बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरों का। आपने सरकारी अफसरों और नेताओं की गुमशुदगी की खबर किसी न किसी माध्यम से जरूर देखी या सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सरकारी दफ्तर की गुमशुदगी की खबर दिखाएंगे जो कई दिनों से लापता हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने, बिहार सरकार द्वारा संचालित एक सरकारी दफ्तर ही गुम हो गया है, जिसकी जानकारी न मुख्यमंत्री को है और न ही अधिकारियों को। यह दफ्तर कोसी प्रमंडल के बाढ़ पीड़ितों की समस्या के समाधान के लिए बनाया गया था, जिसका नाम कोसी पीड़ित विकास प्राधिकार है। पहले कभी यह दफ्तर सहरसा में हुआ करता था, लेकिन आज सरकार के आधा दर्जन से अधिक विभागों और प्राधिकार के पदेन अध्यक्ष सहित सदस्यों को भी इसकी जानकारी नहीं है कि इसका दफ्तर है कहां। इसका खुलासा आरटीआई से मांगी गई सूचना के आधार पर हुआ है। आवेदक महेंद्र यादव ने 11 जनवरी को मंत्रिमंडल सचिवालय के लोक सूचना पदाधिकारी सह संयुक्त सचिव से सूचना मांगी थी। उसके बाद से सूचना संबंधी पत्र जल संसाधन विभाग, कोसी प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा कलेक्ट्रेट, आपदा विभाग और डीडीसी दफ्तरों में घूम रहा है, लेकिन दफ्तर और प्राधिकार के संबंध में किसी विभाग के पास कोई जानकारी नहीं है। बिहार में 1928 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। राज्य के संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,265 हो गई है। वहीं राज्य के 3 जिलों अररिया, पटना व मधुबनी में 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 298, अररिया में 103 और मधुबनी में 113 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। बलुआ जी, गुरु जी, इस संसार में सबसे सच्चा इंसान कौन है? गुरु जी, पान वाला। वो कैसे? क्योंकि वे हमसे पूछ कर चूना लगाता, बाकी तो सब साले बिना पूछे चूना लगा देते हैं। दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय द टॉकी ऐप। यहाँ पर आप घर बैठे मनोरंजन के साथ पैसे कमा सकते हैं। ये टिकटॉक जैसा ही द टॉकी ऐप है। इसे डाउनलोड करें, वीडियो बनाएं या शेयर करके पैसे कमाएं। तो डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी के निधन पर बिहार सरकार ने 31 अगस्त से अगले 7 दिनों तक के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है। राजकीय शोक की अवधि में राष्ट्रीय ध्वज उन सभी भवनों पर आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से यह फहराया जाता है। साथ ही इस अवधि में कोई भी राजकीय समारोह एवं सरकारी मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम नहीं होंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। राजधानी पटना के एयरपोर्ट के पास स्थित बीएमपी 1 कैंप में मंगलवार सुबह पुरुष कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गोली की आवाज सुनकर बीएमपी में रह रहे अन्य कांस्टेबल मौके पर पहुंचे, जहां दोनों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। घटना क्यों हुई, इसकी जाँच की जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला और पुरुष दोनों शादीशुदा थे। पितृपक्ष में पितरों को मोक्ष दिलाने की कामना के साथ बिहार के गया आने वाले पिंडदानी इस प्रतिपक्ष में यहां नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार द्वारा कोरोना काल में धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने भी इस साल प्रतिपक्ष मेले पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि पुरखों को पिंडदान करने के लिए प्रतिपक्ष में देश दुनिया के श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। वहीं अब गया के पंडों ने ऑनलाइन पिंडदान का भी विरोध करते हुए इसका बहिष्कार कर दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को झारखंड की राजधानी रांची से कमांड कर रहे हैं। पार्टी का अघोषित मुख्यालय बने रिम्स निदेशक आवास में सोमवार को भी नेता कार्यकर्ता की भीड़ डटी रही। छोटे नेताओं से लेकर बॉलीवुड के अभिनेता अली खान भी बिहार के शेरघाटी विधानसभा से टिकट के लिए सोमवार को रिम्स निदेशक के बंगले के बाहर पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल मंगलवार को आरजेडी के एक और विधायक ने जेडीयू का दामन थाम लिया। आरजेडी के तेगड़ा विधायक वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को जेडीयू की सदस्यता ली। तेगड़ा विधानसभा सीट बेगूसराय जिले के तहत आता है। शादी रचाने के लिए गुजरात से कैमूर पहुंची युवती कैमूर जिले में पुलिस की ओर से प्रेमी युगल की मंदिर में शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक और युवती दोनों गुजरात में एक निजी कंपनी में काम करते थे। जब लॉकडाउन लगा तो लड़का वहां से भाग गया। ऐसे में युवती ने कल कैमूर एमपी दिलनवाज महमद के पास इस संबंध में शिकायत की, जिसके बाद जिले के महिला थाना पुलिस ने भभुआ स्थित महाकोटेश्वर मंदिर में प्रेमी युगल की पुलिस की देखरेख में शादी कराई।
बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा बहाली की लिखित परीक्षा की घोषणा कर दी है। यह परीक्षा कोरोना महामारी के चलते पहले दो बार स्थगित हो चुकी है। आयोग ने लिखित परीक्षा की तैयारी की घोषणा कर दी है, जिसके तहत अब ये परीक्षा 11 अक्टूबर को होगी। इसके लिए परीक्षा के लिए राज्य भर के 13 जिलों में सेंटर बनाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके लिए कमर कस ली है। जदयू ने तो बकायदा हाईटेक चुनावी रथ भी तैयार कर लिया है, जिस पर लिखा गया है बिहार की पुकार फिर से नीतीश कुमार। राजधानी पटना से चलकर ये चुनावी गाड़ियां पूरे बिहार में भ्रमण करेंगी और बिहार सरकार की उपलब्धियों के बारे में राज्य की जनता को बताएगी। तो ये थी बिहार की 10 सुपर फास्ट खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल मोबाइल न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश दुनिया की तमाम खबरों से और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों से आप रह सकें अपडेट। नमस्कार।